डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ये हम इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा ऐड कर चुके थे, मैं सिर्फ ओवरव्यू जल्द से जल्द करूंगा ताकि ये साथ अटैच हो जाए कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में हम जो हमारे पास जो डिजिट 101 की फॉर्मेशन है वो हम उसको कन्वर्ट करते हैं वेव्स की फॉर्म में, इसको डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन कहते हैं। और एक ट्रांसलेटर होता है जो कि कन्वर्ट करता है इसको। इसके तीन वेव्स है, तीन करेक्टरिस्टिक्स है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। हम इसको इनके एक्सपेक्ट के हिसाब से चेंज करते जाएंगे और इसका यूज करते जाएंगे। ये है आपकी जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। जिस तरह भी बाय बैक एंड फोर्थ वी कैन यूज इट टू रिप्रेजेंट डिजिटल डाटा इनटू द आप एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का करीब तरह के कार, एम्पलीट्यूड के जरिए, फ्रीक्वेंसी के जरिए और फेज के जरिए कैसे हमने कंटिन्यू करना है। ये इसकी टाइप्स थी डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन की, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की और फेज शिफ्ट की। और एक इनका जो मर्जर है वो क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है जो कि फेज का और एम्पलीट्यूड का मर्ज है, दोनों को मिला के ये चीज करती है। वन बाय वन इसका डिस्कस करते हैं। अच्छा, बिट रेट बॉड रेट का मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में भी, आपको प्रोवाइडेड है कि नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग वन सेकंड, 1 सेकंड में ट्रांसमिट होने वाली बिट्स को बिट रेट कहते हैं। और 1 सेकंड पर जितने नंबर ऑफ सिग्नल सेंड होते हैं जो के बिट को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बॉड रेट कहते हैं। ठीक हो गया। और बिट रेट और बॉड रेट की जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताया था कि आपका कार जो है वो आपको इस एज ए बॉड को ले और उसमें बैठे हुए पैसेंजर को बिट रेट समझ लें। तो एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि अगर 1000 कार है यानी कि बॉड रेट 1000 है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पैसेंजर को लेकर जा रही है, एक ड्राइवर से, तो बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर यही होगा, एक पैसेंजर मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ कार्स, यानी कि बॉड रेट आपकी कार्स हैं और पैसेंजर जो आपका बिट रेट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पैसेंजर जो है 1000 बनेंगे ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी तरह एक और आपकी एग्जांपल थी, अगर 4000 पैसेंजर हों तो ट्रांसपोर्टेड हों तो मतलब आपके 1000 कार में 4% के हिसाब से 4000 ऐड हो जाते हैं, यानी कि 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एग्जांपल आपको बताई थी एनालॉग सिग्नल्स, अगर 4 बिट को एक सिग्नल, हर एक सिग्नल एलिमेंट 4 बिट लेकर जाता है, तो अगर 100 सिग्नल्स एलिमेंट है तो बताइए इसका बॉड रेट और बिट रेट क्या है। तो सबसे पहले ये तो ये है कि जो 1000 सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं एज ए कार के तौर पर, जो मैंने एग्जाम्पल दी थी वो इसका बॉड रेट है और नंबर ऑफ बिट्स है 4, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बिट रेट आ जाएगा। बॉड रेट तो पहले से डिफाइंड था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि हमारा आज के लेक्चर के साथ इसका मर्जअप हो जाए। उसके बाद था नेक्स्ट टॉपिक है कैरियर सिग्नल। कैरियर का मतलब यही होता है कि जो आपके डाटा को या बिट रेट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का जो काम करता है ट्रांसमिशन मीडियम के इस्तेमाल करके, उसको कहते हैं कैरियर सिग्नल्स। द सेंडिंग डिवाइस प्रोड्यूस अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स दैट एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ फॉर द इंफॉर्मेशन सिग्नल। दिस बेस सिग्नल इज कॉल्ड कैरियर सिग्नल्स और कैरियर फ्रिक्वेंसी भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट फेज है, जो शिफ्ट कीइंग है, जो डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्जन किया है, वो है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी नाउ दी थी कि इसमें हम जो जारी से बात है डिजिटल टू एनालॉग में जा रहे हैं, तो अभी तक हमारे पास जो डाटा है वो 0 और 1 की फॉर्म है। और हमारे पास जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की डेफिनेशन में ये आता है कि फ्रिक्वेंसी और फेज दोनों कॉन्स्टेंट रहेंगे बट एम्पलीट्यूड में बी अ चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो वो कैसे होता है, जैसे कि ये आपके एम्पलीट्यूड का मतलब है फ्रिक्वेंसी को हाई पीक लेवल पर लेके जाना, यहाँ पर 0 है तो नॉर्मल लेवल पर, हाई है तो पीक लेवल पर चलेगी, फिर 0 फिर 1, ये 0, ये कम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ा भी दिया, ये वही कम्बिनेशन चल रहा है। नेक्स्ट आपके पास इसकी इससे जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जब आप एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं तो शोर तो पैदा होता है, एक इसका इफेक्ट ये है कि इसकी वजह से नॉइज इफेक्ट करती है, इंटरफेरेंस आता है इसकी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास मैंने ऊक का बताया था कि ये ऑन ऑफ कीइंग है, जिसमें ये एक पॉपुलर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग टेक्निक्स है, जिसमें क्या किया जाता है कि आपकी जो बिट वैल्यूज है जहां पर 9 वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 0 टू 1 होने से दरमियान में जो आपकी रिप्रेजेंटेशन 9 वोल्टेज है, वापस अपनी हालत में 0 की लेवल पर आ जाना 9 वोल्टेज, उसको कहते हैं ओक। इसकी जो एडवांटेजेस है
मैंने आपको बताया था कि आपकी एनर्जी को कम करती है, यानी कि आप जो ट्रांसमिशन ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन, एनर्जी जो ट्रांसमिट करते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए काम आती है, का ऑन ऑफ का। यानी कि आपने अगर कोई चीज ऑन करनी है, मतलब वन करना है, बिट को वन करना है, तो आप का सहारा लेते हैं, ऑफ करना है तो तभी ऊ का सहारा लेते हैं। ये था ऊ का कंसेप्ट। पैंथमिक आपको एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग का बताया था कि जो फ्रिक्वेंसी का पैंथमिक हायर है। अब यहाँ पर जो आपको लाइन नजर आ रही है, एरो का नजर आ रहा है, इसका मतलब है पीक लेवल एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, ये डिफाइन कर रहा है। इसके कुछ पैंथमिक निकालने का वही फर्क है, वही है कि हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर देना है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो हाईएस्ट बिट रेट को लोएस्ट बिट रेट से माइनस कर देना है, तो आपका बैंडविड्थ ऑफ और एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग आपका आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूला अप्लाई करने का, या कोई भी आपको आए तो डिस्टेंस आता है, डी फॉर डिस्टेंस, एन फॉर नंबर जितने हैं वो उसकी पीक लेवल तक जाएंगे, और बॉड रेट आपको बताया ही है कि टोटल नंबर ऑफ जो भी आपके ट्रांसमिशन क्राइटेरिया है उसको मीट करता है। आपका ये इसके मुताबिक आपका क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल भी आपको कॉल की आई थी, फाइंड मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर एन ए एस के एप्लीट्यूड शिफ्ट की सिग्नल ट्रांसमिशन एक्स टी एक्स में ट्रांसमिशन एट 2000 BPS। ये आपका हो गया बॉड रेट, इसी तरह आपको आएगा। और आपने जो आपने कैलकुलेशन के मुताबिक था कि आपके जो बिट रेट है और बॉड रेट एक ही होता है, अगर आपको मेंशन ना किया जाए तो आपने डिफाइन कर देना है कि जो ही आपका बिट रेट था वही आपका बॉड रेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बिट रेट नहीं दिया गया। ठीक हो गया, तो जब नहीं दिया जाए तो हम उसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग रिक्वायर्ड अ मिनिमम बैंडविड्थ इक्वल टू हिट्स बॉड रेट, तो हम खुद से अज्यूम करते हैं कि उसकी मिनिमम बैंडविड्थ इतनी होगी, क्योंकि हमारे पास बिट रेट नहीं मौजूद था, तो हमने बॉड रेट दिया था, हमने उसके मुताबिक उसको मर्ज अप कर लिया, तो हमारा आंसर जो है मिनिमम बैंडविड्थ जो है 2000 BPS/s ही होगा। ये आंसर था इसका। ये आपके बुक में से एग्जाम्पल्स वगैरह सारी ये आपको बुक प्रोवाइड की जा रही है, और बुक की सारी रीड आउट करवाई जा रही है उसको इजी वे में। सेकेंड था शिफ्ट किंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। अच्छा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग में भी आप जैसा कि डाटा डिजिटल फॉर्म से एनालॉग में कन्वर्ट करें, तो अभी आपके पास बिट 0 या 1 की फॉर्म में प्रोवाइड है, तो ये इसमें ये होता है कि आपका जो एम्पलीट्यूड और फेज कॉन्स्टेंट रहेंगे लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी, यानी कि वही बहुत पीक एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन कॉन्स्टेंट बट द फ्रीक्वेंसी विल चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी में आपको बताया था कि वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेकेंड उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स जो है, ये जो साइकिल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बढ़ रहेंगे। पिछले में हमने एम्पलीट्यूड में हाईएस्ट पीक लेवल बढ़ाया था, फ्रीक्वेंसी में देखें यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी आपकी पीक लेवल यानी कि टच की, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से लेकर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल, ये 1 साइकिल बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 साइकिल बनता है, तो 2 साइकिल है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 साइकिल है, तो फ्रीक्वेंसी 4 के मुताबिक इन 1 सेकेंड है, तो 1 बिट 1 बॉड ही टाइम ले रहा है। 1 सेकेंड के दरमियान 4 फ्रीक्वेंसी के बॉड उसे लदर लदर डिफाइन किए हैं 0 1 की फॉर्म में। जहाँ 1 होती थी वहां उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती थी, जहां पर नहीं होती थी वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी लो रेट पे चले जाती थी। तो ये था फ्रीक्वेंसी का, इसका भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नॉइस पर इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक हो गया, ये इसका इफेक्ट इस पर भी पड़ा था। एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं इसका, एग्जाम्पल फार्मूला फाइंड आउट करने का, फाइंड द मिनिमम बैंडविड्थ फॉर एन एफ एस के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की सिग्नल्स ट्रांसमिटेड एट 2000 बिट्स/s, ट्रांजेक्शन इज एन हाफ डुप्लेक्स मोड। ये मोड की बात कर रहे हैं, हाफ करने को नहीं कह रहा, जिसमें आपका सिग्नल्स 1 वे से 2 सेकेंड वे में जाता तो जरूर है, लेकिन दरमियान में टाइम का लैप्स आता है, उसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं, यानी कि ऑन नो टाइम, और कैरियर मस्ट बी सेपरेटेड बाय 3000 हर्ट्स। आपका जो एफ एस के मुताबिक ये फार्मूला है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की को फाइंड आउट करने का, बॉड रेट प्लस आपका जो फ्रीक्वेंसी है 1 माइनस फ्रीक्वेंसी, जो आपकी कैपेसिटी है 0, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट से लोअर जिस तरह जो भी फ्रीक्वेंसी उसको माइनस करके बॉड रेट उसमें ऐड कर देना। अब यहाँ पर आपके पास 2000 आपका जो है बॉड रेट दिया गया है, ठीक है, बीपीएस के तौर पर, लेकिन जो 3000 हर्ट्स है ना कैरियर, उसने ऑटोमेटिकली इसका फार्मूला फाइंड आउट करके रखा हुआ है, इसका फार्मूला फाइंड आउट करके 3000 मेंशन किया हुआ है, हमने तो सिर्फ इसको और 2000 का ऐड कर देना, हमारे पास वो उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग आ जाएगा।
जस्ट इतना ही, लेकिन अदरवाइज अगर चेंजेस हो, कैरियर चेंजेस हो, हमने ग्रेटर को लेस से माइनस करना, यानी कि 3000 की जगह होता 2000 और स्मॉलर पे होता 1000, तो हमने 2000 सॉरी 4000 होता और यहाँ पर होता 1000, तो 4000 से 1000 निकालते तो 3000 आना था, जो आंसर उसने पहले से निकाल कर इसमें ऐड किया सिर्फ हमने। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड फेज है, थर्ड जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का फेज है, वो है फेज शिफ्ट की। इसमें भी डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास डाटा 0-1 की फॉर्म में, हमने इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों कॉन्स्टेंट रहेंगे, लेकिन फेज वेरी करता रहेगा। कैसे? फेज का मैंने बताया था 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के हिसाब से इसकी चेंजेस होती जाए। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, कि जैसे कि आपको पता है यहाँ देखें, यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, ये फेज में चेंज है, और इसके साथ इस फेज में तो लेवल पर है, इस फेज में देखें यहाँ पर चेंज है और इस फेज में फिर यहाँ पर चेंज है, तो ये जो चेंजेस आती हैं इसको फेज शिफ्ट कीइंग कहते हैं। ठीक हो गया? आपके वन के हिसाब से जो अगर नीचे के हिसाब से है तो आपने उसकी तरह, अगर इसमें अगर मैं लेता हूँ 2 बिट्स को, जिसमें 2 बिट्स फेज शिफ्ट कीइंग लें, तो उसमें 2 आंसर आएंगे, 0 या 1। तो अगर 0 बिट होगी तो फेज 0, और अगर 1 बिट होगी तो उसका फेज 180 होगा, यानी कि आपका जो लेवल है वो ऐसे होगा, यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे आप ग्राफ में आप स्केच बनाते होते थे, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से स्टार्ट किया कुछ 0 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो आपके पास 180 डिग्री, और अगर इससे नीचे मूव करें तो टोटल 160 का मूव होता है, लेकिन हम पे 2 फेज शिफ्ट कीइंग का बात कर रहे हैं तो हमने 2 फेज ही रखने। इसी तरह अगर इसमें भी जो इफेक्ट होता है, ये फ्रीक्वेंसी फेज शिफ्ट कीइंग इज नॉट सेप्टेबल टू द नॉइज डिग्रेडेशन दैट इफेक्ट एस के, जो नॉइस में एम्पलीट्यूड में और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में इफेक्ट करता था, फेज शिफ्ट कीइंग में इसका इफेक्ट कम होता है नॉइस का। स्मॉलर वेरिएशन इन सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड रिलायबल बाय द रिसीवर, चेंजेस थोड़ी सी होती हैं लेकिन उसका इफेक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक हो गया? जैसे अगर 4 बिट, अगर आप 2 बिट के साथ, वो था 1 बिट के हिसाब से जिसके फेस 2 बनते, या तो 0 या 1, अब है 2 बिट के हिसाब से, पहला आपने पढ़ा 1 बिट के हिसाब से, ऊपर आपको ये देखे 1 बिट नजर आ रहा है, तो आपके 0 1 के फेज में आपका आंसर है। अब आए फोर फोर फेज शिफ्ट कीइंग का मतलब है 2 बिट लेने, तो आपके आंसर में देखें मसला कोई नहीं है, फेज में कोई मसला नहीं आया, यहाँ पर चेंजेस है फेज में, यहाँ से आपको पता लगेंगे कि कौन सा फेज इस्तेमाल कर रहा है इसमें, फिर कैंसिल, आपको इमेज से भी आपको वाजिया हो जाता है। इसमें देखें फोर फेज शिफ्ट कीइंग में हमने आपको 2 बिट इस्तेमाल किया था, 0 0 होगा या 0 1 होगा, 1 0 होगा या 1 1 होगा, 4 पॉसिबिलिटीज आ गई, प्रोबेबिलिटी इसकी 4 है, तो अगर 0 0 होगा तो फेज 0, 0 1 होगा तो फेज 90, 1 0 होगा तो फेज 1 की आपको याद करने पड़े 180, 1 1 होगा तो 270 तक इसका आंसर जाएगा 2 बिट में, जैसे कि आपको ये आपको नजर आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक हो गया? ये कॉन्स्टिलेशंस डायग्राम है जो कि 4 फेज शिफ्ट कीइंग को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें 2 बिट, आप इसको डाई बिट भी बोलते हैं, डाई मीन 2 बिट, ठीक है, और बैंडविथ इसकी जो पीएस की है, मिनिमम बैंडविथ रिक्वायर्ड फॉर पीएस ट्रांसमिशन है, जितनी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में बैंडविथ मिनिमम चाहिए होती थी, इसी में भी मिनिमम बैंडविथ ही चाहिए, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अच्छा, फेज शिफ्ट कीइंग बिट रेट यूजिंग द सेम बैंडविथ कैन बी 2 और मोर टाइम्स ग्रेटर, जितना टाइम बढ़ता चला जाएगा टाइम के साथ से इसकी जो बैंडविथ है वो सेम रहेगी, टाइम के हिसाब से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ एंगल का चेंज होना इफेक्ट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरह 3 बिट अगर डाटा हो, जिसको ट्राई बिट बोलते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी जब तक एंड पर 1 1 नहीं आता तब तक आपके ट्राई बिट चले जाते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 एंड 1 1, तो इसके एंगल भी उस हिसाब से आपके चेंज होते चले जाएंगे, आपके उस हिसाब से ये 2 लाइन्स ऐड होगी, जिससे इसकी मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था ये डिटेल फॉर्म, आपके समझाने के लिए, ताकि आपको पता लगे 3 बिट में कितने बनते हैं, 3 मल्टीप्लाई, इसको अगर आप 3 की पावर 2 की पावर 3 करें तो आपका 8 आंसर आता है,
ठीक है, 2 की पावर 2 करें तो बिट जो आया आप ऊपर आ जाएगी, तो वो फेज टू पावर 2 ही करना है, ठीक है। और 2 फेज शिफ्ट की, 4 शिफ्ट के, 4 फेज शिफ्ट की, उसके बाद 8 फेज शिफ्ट की, बिट के हिसाब से इसकी लिमिटेशंस है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो ये हैं कि ये फेज जो है स्मॉल डिफरेंसेस इसमें, क्योंकि इसमें जो फेज का डिफर आता है वो बहुत कम आता है, जब एक फेज खत्म हो रहा होता है ना तो अगले का तो चेंज हो जाता है, तो उसके दरमियान फासला बहुत कम होता है, ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। सेकेंड ये है कि जो बिट रेट की जो पोटेंशियल है वो लिमिट है, उसकी महदूद हद है, उससे ज्यादा इसका कवर अप नहीं है। लास्ट जो था डिजिटल टू एनालॉग में क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड, जो मैं बात कर रहा था मॉड्यूलेशन, जो कि कम्बिनेशन था ASK और PSK का, लेकिन इसमें फर्क ये है कि एक्स वेरिएशन जो है, जो हॉरिजेंटली है, वो फेज को रिप्रेजेंट करता है, और वाई जो है रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को। तो आपका जो आंसर है एक्स मल्टीप्लाई वाई, यानी कि फेज मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लाई से जो आपका कम्बिनेशन निकलता है उसको क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये उन्हीं का जो हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है, एक एम्पलीट्यूड है और 4 फेज हैं, 2 एम्पलीट्यूड हैं, 4 फेज हैं, उसके मुताबिक इनकी कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। ये था आज का लेक्चर।